ओम गणेशाय नमः, राधे राधे। आइए सुनते हैं बहुलाचौर व्रत कथा पूजन विधि एवं महत्व। इस साल 3 सितंबर को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है। इस चतुर्थी को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा के साथ साथ श्री कृष्ण और गायों का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक को बल, बुद्धि, विद्या और धन धान्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन संकष्टी चतुर्थी के साथ साथ बहुला चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है, इसीलिए इसे कृष्ण चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं बहुला चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 2 सितंबर को रात 8:49 से शुरू होकर 3 सितंबर को शाम 6:24 तक रहेगी। उदया तिथि 3 सितंबर को प्राप्त हो रही है। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी का व्रत 3 सितंबर 2023 रविवार के दिन रखा जाएगा। बहुला चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। शाम के समय भगवान गणेश, भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की उपासना करें। पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण के किसी ऐसे चित्र या प्रतिमा को पूजा स्थान पर स्थापित करें जिसमें उनके साथ गाय भी हो। सबसे पहले भगवान को कुमकुम तिलक लगाएं और हार फूल अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद अबीर, गुलाल आदि चीजें चढ़ाएं। कृष्ण और गणेश जी की पूजा के बाद गाय सहित बछड़े की पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन भगवान गणेश की उपासना के साथ ही गौ माता की भी उपासना की जाती है। मान्यता है कि बहुला चतुर्थी के दिन गाय माता की पूजा और सेवा करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश और चंद्रदेव की उपासना करने से जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। आइए सुनते हैं बहुला चौथ व्रत कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कृष्ण जी की लीलाओं को देखने के लिए कामधेनु गाय ने बहुला के रूप में नंद की गौशाला में प्रवेश किया। कृष्ण जी को यह गाय बहुत पसंद आई। वे हमेशा उसके साथ समय बिताते थे। बहुला का एक बछड़ा भी था। जब बहुला चरने के लिए जाती तब वो उसको बहुत याद करता था। एक बार जब बहुला चरने के लिए जंगल गए, चरते चरते वो बहुत आगे निकल गए और एक शेर के पास जा पहुंची। शेर उसे देख खुश हो गया और अपना शिकार बनाने की सोचने लगा। बहुला डर गए और उसे अपने बछड़े का ही ख्याल आ रहा था। जैसे ही से उसकी ओर आगे बढ़ा, बहुला ने उससे बोला कि वो उसे अभी न खाए, घर में उसका बछड़ा भूखा है, उसे दूध पिलाकर वो वापस आ जाएगी, तब वो उसे अपना शिकार बना ले। शेर ने कहा कि मैं कैसे तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लूं? तब बहुला ने उसे विश्वास दिलाया और कसम खाई कि वो जरूर आएगी। बहुला वापस गौशाला जाकर
बछड़े को दूध पिलाती है और बहुत प्यार कर उसे वहाँ छोड़ वापस जंगल में शेर के पास आ जाती है। शेर उसे देख हैरान हो जाता है। दरअसल इस शेर के रूप में कृष्ण है जो बहुला की परीक्षा लेने आते हैं। कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और बहुला को कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, तुम परीक्षा में सफल रही। समस्त मानव जाति द्वारा श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी और समस्त जाति तुमको गौ माता कहकर संबोधित करेंगी। वह जो भी ये व्रत रखेगा उसे सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य व संतान की प्राप्ति होगी। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी बहुला चौथ कहा जाता है। इस बार 3 सितंबर को संकष्टी चतुर्थी मनाई जा रही है। इस साल इसका धार्मिक महत्व बहुत खास माना गया है। दरअसल भाद्रपद का महीना भगवान कृष्ण को समर्पित है और गणेश जी भगवान कृष्ण के साथ विराजमान होते हैं। इसलिए भाद्रपद में जो संकष्टी चतुर्थी आती है उसकी मान्यता बहुत ही खास मानी जाती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत करने से आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। अगर आप व्रत करते हैं तो आपको इस दिन पूजा के दौरान संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। गणेश जी की पूजा के वक्त चतुर्थी पर रात के वक्त चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। आइए आपको बता दें भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी का महत्व, पूजा विधि और महत्व। भाद्रपद की संकष्टी चतुर्थी 3 सितंबर को मनाई जा रही है। संकष्टी चतुर्थी कष्टों को हरने और संकटों को दूर करने वाली मानी जाती है। इस व्रत को करने से आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। गणपति आपके सभी कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं दूर करके उन्हें सफलतापूर्वक पूर्ण करवाते हैं। आपके जीवन से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और चाय पानी पिए बिना स्वच्छ वस्त्र धारण करके हाथ में जल लेकर गणेश जी के सामने व्रत करने का संकल्प लें। पूजा स्थल पर लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद गणेश जी का अभिषेक करें, चंदन लगाएं और वस्त्र अर्पित करें। अगर आप प्रतिमा पर वस्त्र नहीं अर्पित कर सकते तो मन में श्रद्धा भाव से रखते हुए कलावा अर्पित करें। उसके बाद फल फूल 21 दुर्वा अक्षत धूप दीप गंध आदि अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं। उसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें और संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनें, फिर आरती करें। शाम की पूजा में एक बार फिर से गणेश जी की इस विधि से पूजा करें और आरती करें। उसके बाद चंद्रोदय पश्चात चंद्रमा को अर्घ दें और व्रत का पारण करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।